हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल तो आज हम चौदह मई 2020 की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की और ऑल इंडिया रेडियो की तो वो हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा दैनिक जागरण की भी आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी तो वो भी हम देखेंगे ठीक है okay. तो सबसे पहले कल जो अनाउंसमेंट की है फाइनेंस मिनिस्टर ने कोलेक्टर फ्री लोन वर्थ थ्री लाख करोड़ रुपीज़ बेनिफिटिंग फोर्टी फाइव एम तो काफ़ी सारे जो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसके बाद चल रही है सेल्फ रिलायंट मोमेंट इन इंडिया तो जीडीपी का जो टेन परसेंट है ठीक है तो वो इन्होंने लगाया है इसमें तो इनफॉर्मल सेक्टर में मेनली आपको पता है जो हमारा एम है तो वो किस में आता है इनफॉर्मल सेक्टर का ये uh, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इसका काफ़ी ज़्यादा है ठीक है अगर जी का देखें तो कितना होता है ट्वेंटी नाइन परसेंट योगदान इनका होता है एमएसएमई क्षेत्र का तो इसलिए ज़्यादा फोकस इस क्षेत्र पे किया गया है सूक्ष्म लघु और मंझोले उद्योग जिनको कहते हैं इसके अलावा उनका अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें मतलब निर्यात में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनका होता है कॉन्ट्रीब्यूशन फोर्टी एट परसेंट इन एक्सपोर्ट ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो इसलिए ज़्यादा मेनली जो फोकस इन पे किया गया है ये ग्यारह करोड़ लोग जो होंगे इससे इनको जो रोजगार इनको मिलेगा सेव होगा ठीक है तो ये सब चीज़ें इसके अलावा वही ट्वेंटी फाइव परसेंट कट इन टी डी एस एंड टी सी एस रेट्स टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन और लास्ट डेट जो है इनकम टैक्स रिटर्न की तो वो भी एक्सटेंड कर दी गई है नवंबर थर्टी तक तीन हजार एक सौ करोड़ जो रुपए एलोकेट किए गए हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वेंटिलेटर्स के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट फ्रॉम पीएम एम केयर्स फंड कोविड नाइन्टीन रिकवरी रेट रे जो है थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री वो हो गया है ठीक है परसेंट रेलवे टू तो स्टार्ट इशूइंग इस वेट लिस्टेड टिकट्स फ्राम ट्वेंटी ऑफ दिस मंथ फॉर स्पेशल ट्रेन इसके अलावा अभी रेलवे ने अभी ये बोला है कि वो कैंसिल कर दिए है ट्रेन टिकट्स ठीक है थर्टीथ ऑफ जून तक तो जो पैसेंजर ट्रेन है आई थिंक uh, जो स्पेशल श्रमिक ट्रेन है वो चलती रहेंगी लेकिन पैसेंजर ट्रेन उन्होंने अभी कैंसिल कर दी अभी न्यूज़ देखी थी मैंने यहाँ पे रेलवे कैंसिल ट्रेन रिजर्वेशन मेड टिल जून थर्टी ठीक है तो ये है नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं तो ये जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द फर्स्ट ट्रेंच तो ये इसी से रिलेटेड है ट्वेंटी लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है इसके बाद जस्टिस डिफर्ड जो जम्मू कश्मीर में टू जी सर्विसेज हैं उसको लेकर है ठीक है फिर एक कवासकी डिजीज़ भी है कोविड लिंक डिजीज़ ये मेनली किड्स में हो रहा है तो इसके बारे में पढ़ेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया विच आर द सेक्टर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स विच आर नॉट तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं ये सब डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो आज का देख लेते हैं न्यूज़पेपर तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्वेंटी लाख करोड़ जो ये पैकेज है ठीक है तो इसमें से अभी जो है अनाउंस हो चुका है वेंसडे को फाइव पॉइंट नाइन फोर लाख करोड़ रुपीज़ और फोर पॉइंट थर्टी टू लाख थ्री टू लाख करोड़ जो है टू बी अनाउंस ठीक है तो यही हमारे पास बचा है इससे पहले जो नौ लाख करोड़ का जो पैकेज था वो अनाउंस हो गया है ऑलरेडी ठीक है अब कहाँ कहाँ पे ये होगा तो एम एस सी अगर हम बात करें Uh, तो यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन्स सबॉर्डिनेट डेप इक्विटी इन्फ्यूजन एक्सपेंडिंग एम्बिट थ्रू चेंज इन डेफिनेशन इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे ये दीज मेजर विल ब्रेथ लाइफ इन टू फोर्टी फाइव यूनिट्स थ्रू इक्विटी एंड डेट सपोर्ट हेल्प दम स्टार्ट रीस्टार्ट सेव गार्ड जॉब्स एंड ग्रो बैक ठीक है तो इनके लिए जो पैकेज है थ्री पॉइंट सेवन लाख करोड़ का ये हुआ है और इसके अलावा एन बी एफ सीज और एच एफ सीज़ एम एफ आई सीज मतलब हाउसिंग फाइनेंस और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर्म्स हैं तो उनके लिए भी स्पेशल लिक्विडिटी विंडो पार्शियल क्रेडिट गारंटी विद द गवर्नमेंट एब्जॉर्बिंग फर्स्ट ट्वेंटी लॉस परसेंट लॉसेज इसका जो इम्पैक्ट होगा क्या होगा जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है इनका विल इम्प्रूव कॉन्फिडेंस ठीक है हेल्प इंस्टीट्यूशन रेज फंड्स इन डेट मार्केट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एवर्जन ऑफ बैंक्स तो इसके लिए पचहत्तर हज़ार करोड़ एलोकेट हुए हैं रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट में जो फोर्टी प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बेनिफिटेड होंगे इससे ठीक है दिस विल लेट डेवलपर्स इन फोर्स मेजर टू कम्प्लीट वर्क विदाउट अट्रैक्टिंग पेनल्टीज

गिव्स मोर मनी टू बिजनेस दैट आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रेशर ठीक है मतलब मेन जो इस बार का जो इन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें बोली हैं यहाँ पे लिक्विडिटी uh, इन्फ्यूजन की बात की गई है ठीक elect, है डिस्कॉम्स जो इलेक्ट्रिक्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उनके लिए क्या किया हुआ है जो कंपनियाँ हैं बिजली की तो उनके लिए आर ई सी पी एफ सी टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इन टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगेंस्ट रिसिवेबल्स ठीक है तो इससे क्या होगा जो भी मतलब उनको काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से जो दिक्कत दिक्कतें आ रही थी एंड दिस विल हेल्प देम टाइड ओवर कैश फ्लो प्रॉब्लम पे पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज़ ठीक है तो नाइन्टी थाउजेंड करोड़ रुपीस उनके लिए दिए गए हैं तो फर्स्ट डोज इज़ लिक्विडिटी एम एस एम ईज गेट मेगा गारंटी ठीक है तो, तो अब एम एस एम ईज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टू रियल इस्टेट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल रीड द ओवर आर्किंग थीम वाज दैट ऑफ इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी तो यही मेन इसकी थीम थी और ट्वेंटी uh, लाख ,00 करोड़ का जो प्लान अनाउंस किया था ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ द जीडीपी है ना और uh, इसके अलावा क्या है uh, आगे मतलब जो किस तरह से एमएसएमई की जो डेफिनेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि न्यू एम एस एम डेफिनेशन हैज़ अ मैसेज नो लॉन्गर हैव टू स्टे स्मॉल टू अवेल बेनिफिट्स तो ये देख लेते हैं कि पहले क्या डेफिनेशन थी और अभी क्या इसकी डेफिनेशन है ठीक है तो न्यू डेफिनेशन डोंट हैव टू स्टे स्मॉल एज पर द प्रपोजल फॉर विच अमेंडमेंट्स टू द लॉ विल नीड टू बी मेड माइक्रो एंटरप्राइजेज विल बी दो विद इन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू रुपीज वन करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू रुपीज फाइव करोड़ अब देखो पहले क्या होता था कि मतलब ये जो इसकी जो डेफिनेशन थी वो केवल इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी ठीक है केवल वो निवेश पर आधारित थी और जो भी मतलब एम को जो लिंक किया जाता था वो इन्वेस्टमेंट से ही किया जाता था बाकी की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड जो सर्विसेज हैं तो उनके लिए अलग अलग बेस होते थे लेकिन अभी क्या कर दिया है मैनुफैक्चरिंग और सर्विस के लिए समान डेफिनेशन ही हो गई है ठीक है तो अगर पहले की बात करें तो ट्वेंटी फाइव लाख रुपए तक के जो इन्वेस्टमेंट थे जिनमें ठीक है तो वो किस में आ गए माइक्रो में ठीक है दोबारा से मैं लिख देती हूँ ट्वेंटी फाइव लाख तक के जो इन्वेस्टमेंट होंगे लाख रुपीस तक के निवेश तो वो किस में आ गए आपके माइक्रो ठीक है और जो सर्विसेज़ हैं सर्विस क्षेत्र के लिए जो उसकी लिमिट होगी वो कितनी है टेन लाख ठीक है टेन लाख रुपीस तक की इसके अलावा जो ट्वेंटी फाइव लाख से और फाइव करोड़ तक के जो निवेश होंगे इन्वेस्टमेंट जो वो कौन होंगे स्मॉल ठीक है स्मॉल इंटरप्राइजेज होंगी और इसमें जो सर्विसेज सेक्टर हैं तो उनके लिए कितने लिमिट uh, होगी दस लाख से दो करोड़ के बीच में ठीक है टेन लाख टू टू करोड़ बीच के बीच में इसके अलावा जो फाइव से टेन करोड़ तक के जो निवेश वाले जो मीडियम सर्विसेज uh, है वो कौन हो गई मीडियम इंटरप्राइजेज़ ठीक है होता हो गया ना माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम ठीक है तो ये हैं और इसमें कितना था सर्विस uh, सेक्टर के लिए दो करोड़ से पाँच करोड़ ठीक है दो से पाँच करोड़ लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है डेफिनेशन में अभी है कि एक करोड़ तक के जो निवेश होंगे ठीक है वन करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो क्या होंगे और पाँच करोड़ तक के जो टर्नओवर वाले हो जाएंगे वो होंगे माइक्रो ठीक है मतलब इसमें टर्नओवर को भी बोला गया है मेन टर्नओवर पे ही बात की गई है ठीक है और दस करोड़ तक के जो निवेश होंगे इन्वेस्टमेंट और पचास करोड़ तक के जो टर्नओवर होंगे वो क्या होंगे स्मॉल uh, ठीक है इसके अलावा ट्वेंटी से ट्वेंटी uh, करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट और हंड्रेड करोड़ तक के टर्न होंगे वो होंगे मीडियम तो ये सारी इसमें बातें बोली गई हैं और यहाँ पे मतलब आपको uh, इसमें ये चीज़ बोला है कि ठीक है ये पैकेज है दिस पैकेज आर वेलकम बट देयर आर टू प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स है इसमें कि द फर्स्ट इज दैट डेफिनेशन शुड हैव बीन कम्पेरेबल टू द ग्लोबल स्केल ठीक है ग्लोबल स्केल के उस पर यह खरी नहीं उतर रही है क्योंकि हमने क्या किया अभी? कि crore, है अभी प्रपोज कि कंपनीज विद टर्न ओवर अप टू रुपीज फाइव करोड़ है ना तो इन्होंने ये बोला है कि शुड बी कंसिडर टाइनी वेयर आज दोज विद टर्न ओवर अप रुपीज सेवेंटी फाइव करोड़ शुड बी कंसिडर स्मॉल इंडस्ट्री कंपनीज विद इन टर्न ओवर ऑफ रुपीज़ टू ट्वेंटी टू फिफ्टी करोड़ शुड बी कंसिडर्ड मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज तो ये सारी चीज़ें और अगर मतलब अगर कोई कंपनी है मतलब अगर कंपनी किसी को uh, किसी कंपनी को अगर हमने एज अ कॉर्पोरेट कंसिडर करना है तो उनका टर्न कितना होता है ऑलमोस्ट हंड्रेड करोड़ से ऊपर होता है ठीक है तो अगर मतलब उनका हंड्रेड करोड़ से ऊपर है और कोई कोई कंपनी है जो कि मतलब uh, जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है फ़ाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड करोड़ ठीक है तो वो उसके सामने हमारी जो कंपनीज़ हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगी तो इसमें यही सारी चीज़ बोली गई है कि ऑन डिस अलाउंग ग्लोबल कंपनीज फ्राम पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट टेंडर्स अप टू हंड्रेड करोड़ है ना तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने की ये सब चीज़ें बोली गई हैं मतलब जो आ, क्या है कि सरकारी जो दो सौ करोड़ तक का जो सरकारी खरीद के जो टेंडर होंगे उसमें विदेशी कंपनियाँ क्या नहीं कर सकती हिस्सा नहीं ले पाएंगी है ना तो ये सारी है अब यहाँ पे मतलब कुछ टर्म्स हैं जैसे गारंटी मुक्त कर्ज ठीक है तो गारंटी फ्री लोन क्या होता है कि मतलब इसमें कोई गारंटी फ़ीस नहीं देनी पड़े पड़ेगी या फिर गारंटी या जो गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है जितने भी आ, सारी यूनिट्स हैं उन सबको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा एटलीस्ट चार सा, साल तक के लिए होगा जो इनिशियल जो ट्वेल्व मंथ्स होंगे है ना उसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी तो सरकार ये आ, मतलब इंश्योर करती है कि ये पेमेंट दिया जाए तो इसमें यही सारी चीज़ें थी इसके अलावा जो एक यहाँ पर न्यूज़ रह गई थी वो देख लेते हैं आर्मी प्रपोजेस थ्री ईयर वॉलेंटरी टूर ऑफ़ ड्यूटी साइड्स स्पेट्रोटिज़्म अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है तो आपको पता होगा कि अभी तक मतलब क्या होता है कि टेन ईयर्स की उनको जो आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो उनको सर्विसेस देनी ही पड़ती हैं दस साल तक की ठीक है अभी ये टूर ऑफ़ ड्यूटीज़ फॉर यूथ हु डू नॉट वॉन्ट टू मेक डिफेंस सर्विसेज दे परमानेंट वोकेशन क्या आप डिफेंस सर्विसेज को रक्षा क्षेत्र को अपना पर्मांट पेशा नहीं बनाना चाहते हो लेकिन आपको एक्सपीरियंस लेना है क्योंकि आपने क्या है मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म और एडवेंचर का मतलब आप साहसी हो थोड़ा है ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा है तो द प्रपोज़ल तो सारे लोगों के लिए मौका है मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब युद्ध हो जाना चाहिए ऐसा होना चाहिए मतलब सभी को अगर लेना है एक्सपीरियंस सेना का तो वो अभी ले सकते हैं ऐसा प्रपोजल आने वाला है ठीक है तो अभी आया नहीं है उसके बाद रुपीस वन थाउजेंड करोड़ फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर माइग्रेंट लेबर फ्रॉम पी एम केयर्स तो ये भी एक न्यूज़ है इसमें ठीक है अभी जैसे मैं द हिंदू पढ़ रही थी तो उसमें ना पूरा मतलब थोड़ा वो सेलेक्टिव अप्रोच वो ज़्यादा रहती है उनकी क्योंकि वो ज़्यादा मतलब वैसे ही न्यूज़ रहती है तो स्टार्टिंग में मतलब सारा नेगेटिविटी वो करते हैं फैलाते हैं <laughs> इसलिए मतलब हमको सारी ही न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ने चाहिए है ना कि क्या है भले ही वो रैशनल उसे बोला जाता है एग्जाम पर्पज से अच्छा है बट फिर भी हमें अपने दिमाग से भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए ट्रैकिंग इंडिया कोविड कव तो लॉकडाउन फिफ्टी की अगर हम बात करें फिफ्टी वाले डेज है तो केसेस जो हैं अभी यहाँ पे सेवेंटी फोर ही दिखा रहे हैं बट अभी मैंने देखे थे तो सेवेंटी एट से ऊपर हो गए हैं इंडिया में ठीक है रिकवर्ड हो गए हैं चौबीस हज़ार तीन सौ पिचासी लोग डेथ्स हो गई हैं टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टीन डबलिंग रेट है महाराष्ट्र टॉप पे गुजरात सेकंड दिल्ली तमिलनाडु राजस्थान वेस्ट बंगाल और नेक्स्ट न्यूज़ लिख लेते हैं ये परगवे परगवे आपको बताना होना चाहिए इनका नेशनल डे है ठीक है नेशनल डे तो टू हंड्रेड नाइन्थ इंडिपेंडेंस डे है इनका रिपब्लिक ऑफ परगवे और ये मतलब स्पेन के कब्जे में थे ठीक है आपको होगा ये साउथ अमेरिकन एक कंट्री है साउथ अमेरिकन uh, जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे और इनके और इंडिया के अगर uh, हम बात करें 2020 में तो हमारे 60 इयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ठीक है 60 इयर्स तो यही जानना ज़रूरी था इसके अलावा यहाँ पे है एक चीज़ नथिंग इन पैकेज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स बूस्टिंग डिमांड ठीक है तो ये अपोजिशन का कहना है कि माइग्रेंट uh, वर्कर्स के लिए कोई नहीं है पर अभी हमने पढ़ा था कि कुछ पैकेज अनाउंसमेंट किया गया वेंटिलेटर्स और माइग्रेंट्स के लिए पीएम केयर फ्रंट से ठीक है तो वो भी है सारी न्यूज़ पढ़नी चाहिए इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एम द हाउसिंग ई दाउसिंग सेक्टर एंड हैव टू फर्स्ट सर्वाइव एंड देन टेक द लीव टू द रिवाइवल स्टेज कि मतलब पहले जो हाउसिंग सेक्टर हैं उनको पहले तो सर्वाइवल की ही आवश्यकता है रिवाइवल वाली स्टेज में तो बाद में आएंगे ना अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे जब वर्कर्स ही चले गए अपने घर चले गए हैं ना और वो अभी उनका मतलब ऐसा कोई मूड नहीं है या फिर यहाँ पे आने की उनके अभी जो वापस एंट्री होगी उसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है एज कंट्रीज लुक टू री ओपन साइंस ऑफ रेयर कोविड लिंक डिजीज़ इन किड्स तो जो कवासकी डिजीज़ है ये क्या है अभी रिसेंटली थर्टी फोल्ड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कोवास की लाइक डिजीजेज़ इन बैरगामो ठीक है तो ये बैरगामो एक रीजन है नॉर्दर्न इटली में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही कोरोना वायरस के केसेस थे और इसमें जो कोास की डिजीज़ है ये भी डिजीज़ आया था बच्चों में तो ये रेयर कंडीशन होती है टिपिक तिपल, टिपिकली तिपल, अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर फाइव इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं फीवर रैश रेड आइज ड्राई क्रैक लिप्स और माउथ रेडनेस ऑन द पाम्स ऑन द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट एंड सोलन इन अराउंड क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रन इफेक्ट टिपिकली एक्सपीरियंस कॉम्प्लीकेशंस बट द कंडीशन इज रियली फेटल इफ ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली इन हॉस्पिटल तो ज़्यादा मतलब इतना नहीं है अगर ठीक से इसका, इसका इलाज हो तो संभव है कि ठीक हो जाएगा व्यक्ति बट इट इज़ नॉट नोन दैट ट्रिगर्स द कंडीशन बट इट इज़ थॉट टू बी एन अब नॉर्मल इम्यून ओवर रिएक्शन टू इन्फेक्शन तो बच्चों में मेन ये होता है ठीक है अभी इसको मतलब देख रहे हैं इस चीज़ पे बात कर रहे हैं वन लाख टेस्ट पर डे रिकवरी रेट एट थर्टी टू पॉइंट एट परसेंट ये हमने अभी पढ़ाई था इसके अलावा जो अभी है नेक्स्ट न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सी ए पी एफ कैंटीन्स जो हैं इन्होंने uh, बोल रहे हैं कि घरेलू जो उत्पाद हैं ठीक है उन्हीं का प्रयोग किया जाए घरेलू उत्पादों का प्रयोग किया जाए कैंटीन में जयशंकर डिस्कसेस कोरोना वायरस पैंडमिक विद एस मिनिस्टर तो एस के बारे में यहाँ पे देख लेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पहले देख लेते हैं व्हाट एमएसएमई पैकेज मीन्स ठीक है तो अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज है तो इसी के बारे में की गई है द की थ्रस्ट इज़ अ ह्यूज इंक्रीज़ इन क्रेडिट गारंटीज़ टू एम हाउ डू सच गारंटीज़ वर्क एंड हाउ इज़ द मूव एक्सपेक्टेड टू हेल्प एम तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि

आ, लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं अगर देखो यहाँ पे एक मतलब एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट जो क्रेडिट है उसकी गारंटी दी है तो वो अगर एक फ़र्म है सपोज़ कोई मतलब आ, किसी का अपना उद्योग है छोटा जैसे कोई कपड़े सिलता है मशीन वगैरह है उनकी टेलर है ठीक है तो उनको एक करोड़ रुपये उस फर्म को दिए हैं तो इसका मतलब बैंक उसको दे देगा ठीक है बैंक कैन लेंड दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज़ वन करोड़ रुपीस बट इन केस ये अपना मतलब कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाए ये वापस पे बैक नहीं कर पाए तो तब गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि वो वापस जो बैंक का पैसा है वो उनको दे पाए ठीक है तो उसमें कुछ गारंटी ऑलरेडी गा दी जाती है जैसे फर्स्ट जो ट्वेंटी लोन होता है तो इसमें से अगर फर्स्ट ट्वेंटी परसेंट लोन रहा होगा तो गवर्नमेंट इनको फिर ट्वेंटी लाख रुपीस जो है बैंक को वापस कर देगी ठीक है तो ये इसमें है कंसेप्ट तो इसलिए मतलब क्या है बैंक्स क्वाइट जस्टिफेबली सस्पेक्ट दैट एनी न्यू लोन्स विल ओनली एड टू देयर ग्रोइंग अमाउंट मतलब पैसा होता है उनके पास लेकिन वो कहते हैं कि उनका जो एन पी ए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बढ़ सकता है तो इस वजह से वो देते नहीं है so the government was facing an odd problems and bank had the money but were not willing to lend the credit to staff section of the economy while the government still did not have enough money ठीक है तो government के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं था कि directly infuse कर सके economy में उसको revival करने के लिए इसके अलावा pm woods fm streets तो यहाँ पे ये संजय बारू ने लिखा है है ना संजय बारू कि आपने अभी movie भी देखी होगी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पे जो बनी है उन्होंने नोवल भी लिखे राइटर इज़ अ पॉलिसी एनालिसिस मीडिया एडवाइजर टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना ये भी है तो ये देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि पॉलिसी मेजर मेजर्स द इकोनॉमी वाज पुल्ड आउट ऑफ अ क्राइसिस एंड प्लेस तो ये बोला गया है कि जब पहले भी 1991 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे भी मतलब काफ़ी सारे जो थे uh, बुराइयाँ जो थी इकोनॉमी में जैसे लाइसेंस राज जो था परमिट राज वो एंड हुआ था स्टीप कट्स इन फिजकल डिफिसिट एंड टैरिफ्स एंड डिवोल्यूशन ऑफ़ द रूपी है ना तो फोर पॉलिसी मेजर्स जो थे वो लिए गए थे 1991 वाज़ अ पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन मतलब सीधे सीधे बता दिया गया था मतलब कोई ऐसे घुमा फिरा के चीज़ें नहीं की गई थी बल्कि क्या बोला गया था जो मैक्रो पॉलिसी आर्टिकुलेशन है स्टिचिंग टुगेदर न्यूमरस माइक्रो पॉलिसी स्टेप्स तो ये सारी गवर्नमेंट की जो एविल एबिलिटी थी वो सारी चीज़ की गई उस टाइम पर और अभी मतलब इन्होंने यही चीज़ इसमें बोली है कि अगर हम उसके बात करें डिपेंडेंसी की जैसे सरकार ने बोला है ना कि हमें जितने भी उद्योग वगैरह हैं वो इंडिया इंडिया में ही सब कुछ करना चाहिए सॉरी मतलब इंडियन ही यूज़ करना चाहिए एवरीथिंग और मेक इन इंडिया को सेल्फ रिलायंस फॉर डेवलपिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज ठीक है ये सब हमें काम करना चाहिए तो डॉस सेंटोस है प्रिंसिपल गुरु ऑफ लैटिन अमेरिकन ऑफ़ डिपेंडेंसी स्कूल तो इन्होंने बोला है ग्रेटर सेल्फ रिलायंस फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी डिफाइंड डिपेंडेंस एज अचुएशन इन विच अ कंट्रीज इकोनॉमी इज कंडीशन बाई द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ अदर इकनॉमी मतलब हमें दूसरी इकोनॉमी पर ऐसे रिलाय नहीं होना चाहिए सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है ऑन विच इकोनॉमीज इज एक्से तो हम मतलब अभी कौन सी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है अभी तो हम कहीं से भी आत्मनिर्भर नहीं है ना तो सबसे पहले हम किस पे डिपेंडेंट है ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज पे जहाँ से हम तेल ख़रीदते हैं क्योंकि आपको पता है कि इंडिया बल्क में ऑयल इंपोर्ट करता है ऑयल और गैस का तो हमारे पास जितने भी मतलब इम्पोर्ट डिपेंडेंट है हम किसके लिए एनर्जी के लिए ठीक है तो अभी अगर हम देखें तो अगर दूसरी दूसरी प्रमुख डिपेंडेंसी की बात करें हम तो वो क्या है फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोस ठीक है बोथ द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस मतलब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं जो हमारे जो गल्फ कंट्रीज़ में और यू में जो लोग रहते हैं तो उनसे हमें रेमिटेंसेज मिलते हैं तो उसके लिए उस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं फिनेंशियल फ्लोज इनटू कैपिटल मार्केट इज़ नॉट क्लियर हाउ द न्यू मोदी स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्फ रिलायंस प्रपोजेस टू डील विथ द डिपेंडेंस तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि हमें मतलब क्या चाहिए कि इंडिया इज सीकिंग मोर एफ डी आई इन एक्सटर्नल डेट और थर्ड जो हम डिपेंडेंट हैं वो किस पे इम्पोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट तो हम जितने भी रक्षा उपकरण हैं सामग्री हैं वो या तो हम रशिया से ख़रीद रहे हैं या यू एस ए से या इसराइल से या फिर फ्रांस से चौथी डिपेंडेंसी हमारी है डिपेंडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन एंड फार्मास्यूटिकल्स मेनली हम चाइना पे डिपेंड हैं इन सब चीज़ों के लिए आप सभी जानते हैं ना तो दस फार गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट एड्रेस दिस डिपेंडेंसी ये सारी तो बातें ही नहीं की और अगर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना क्या उसने क्या किया जियो इकोनॉमिक पावर ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स बाय मेकिंग ट्रेड पार्टनर्स डिपेंडेंट ऑन इट ऑन बोथ काउंट्स मतलब वो अपनी जो भी पावर है उसको शो कर रहा है ना जैसे कि सपोज उसने ऑस्ट्रेलिया uh, से वो वाइन नहीं ख़रीदता बीफ नहीं ख़रीदता लेकिन स्टिल इट इज़ यूजिंग इट्स इम्पोर्ट पावर नॉट डिमॉन्सट्रेटिंग इट्स इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो ये सारी इसमें बातें की गई हैं कि हमें मतलब अगर सेल्फ रिलायंट बनना है ट्रूली uh, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट बनना है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना होगा हमें एजुकेशन पे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल है कैपेबिलिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पे सारा उनको इंक्रीज करना होगा ट्रेड डिपेंडेंस दैट मेक्स इंडिया अवेलेबल बट दिन इन ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो ये सारी चीज़ें बोली थी यहाँ पे द फर्स्ट जो है यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि ये क्या थ्री प्रो प्रो अप्रोच है जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है सरकार ने अभी कि इंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑफ़ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेकंड ईजिंग लिक्विडिटी कंस्टेंट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड थर्ड एड्रेसिंग कैश फ्लो वोज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द इकनॉमी तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं ठीक है जस्टिस डेफर्ड मतलब uh, ये है सुप्रीम कोर्ट थ्रोइंग जे एंड के वॉल बैक टू कमेटी ऑफ दोज हुज डिसीजन आर बीइंग क्वेश्चन इन डिसअपॉइंटिंग अब उधर वहाँ पर टू जी सर्विसेज चल रही है और ग, मतलब स्कूल वगैरह तो सारे ही बंद हैं हर जगह तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी उनके लिए मतलब ऑनलाइन पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो उनके जो फंडामेंटल राइट है है ना फंडामेंटल राइट राइट टू फ्रीडम और क्या है मतलब जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका ये सीधा सीधा हनन है तो उनको मतलब ये वहाँ पे जल्दी से रिज्यूम करनी चाहिए देर इज़ नो डाउट दैट जे एंड के एम्परिटीज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नीड है ना नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से ठीक है उपयोगी है क्योंकि एक वो वर्नेबल हमारा इंडिया का पार्ट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बट द प्रोसेस ऑफ नूइंग सो मस्ट भी बहुत जुडिशियस एंड जुडिशल ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि मतलब वहाँ पर काफ़ी जो कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल लिबर्टीज़ है सुप्रीम कोर्ट हमारा द फर्सली इंडिपेंडेंट अपहोल्डर ऑफ द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट शुड बी सीन टू डिस्प्ले लैक ऑफ अर्जेंसी ऑन इम्पॉर्टेंट केसेज वेर द एग्जीक्यूटिव नीड्स टू डू एक्सप्लेनिंग इज डिसपॉइंटिंग एंड डिसप्रिंटिंग तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं और uh, दैनिक जागरण एक बार देख लें सुस्त इकोनॉमी को छः लाख करोड़ की संजीवनी तो इसमें यही सब आया है ये कोरोना मीटर है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ठीक है थीके? कि एम एस सेक्टर रियल इस्टेट को क्या क्या इसमें मिला हुआ है बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स छोटी कंपनियों के बारे में बता चुके हैं आम करदाता टी डी एस टी की दरों में पच्चीस फीसदी कटौती से पचास हज़ार करोड़ रुपये की राशि सिस्टम में उपलब्ध होगी और पैंतालीस दिनों के भीतर रिफंड लौटाए जाएंगे अंतिम तारीख जो है बढ़ा दी है तेईस नवंबर तक की तो सारा कुछ वही है इसलिए दोबारा दोबारा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ठीक है और ये क्या चीन ने दी सफाई अपनी सीमा में गश्त कर रहे पीएलए जवान ठीक है तो ये चीन की तरफ से सफाई आई है आपको बताओगा मैंने दो जगह दिखाई थी एक नाकुला पास और एक लद्दाख में जो पेंगसोंग लेक है ठीक है तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेंट्रेशन हो रहा था फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना ने सुखोई थर्टी जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया था तो उसके बाद अभी उनका ये कहना है कि वो अपने ही मतलब क्या कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं मतलब मटर गस्ती टाइप सॉरी इसके बाद हम देख लेते हैं कोरोना के आधे प्रदेश से कम वरीजिले वेंटिलेटर पर और एक और एक हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सोहराए और कोहबर कला को मिला जीआई टैग ठीक है तो जीआई टैग आपको पता है क्या होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन चेन्नई कार्यालय ने जारी की सूचना झारखंड में किसी भी श्रेणी में पहला जी टैग ठीक है तो झारखंड में हजारीबाग की मिट्टी से निकली सोहोराय वह कोहोबर कलाब किसी पहचान की मोहताज नहीं होगी और इसे झारखंड में मूल कला के रूप में जाना जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के बाद फाइनली इनको मिल गया है और होता क्या है वैसे ये कोहराब और सोहराय झारखंड की दो प्रमुख लोक लोककलाएँ हैं यह लोक कला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है दीवारों पर उकेरे जाने चित्र भी पशु पक्षियों पेड़ पौधे ग्राम्य जीवन के क्रियाकलाप आदि दर्शाते हैं हजारीबाग के गांव में हर घर की दीवार दूर पर उकेरे गए ये चित्र दूर से ही लोगों को आकर्षित करते हैं ठीक है तो नैसर, नैसर्गिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट था इस आर्टिकल में उद्योगों को बड़ी राहत यह एम एस एम से रिलेटेड है संकट से बड़े संकट से भी बड़ा संकल्प तो इसमें एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि मतलब सरकार की काफी ज्यादा निंदा तो होगी ही वह शुरू भी हो गई है तो इस बारे में जो हरिशंकर परसाई ने लिखा है तो हरिशंकर परसाई एक बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार कार्य मतलब काफी सही इन्होंने लिखी है जो पुस्तकें भी लिखी हैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो सारा काम छोड़कर मेरी निंदा में लगाते हैं और खुश रहते हैं उन्हें मैं खुश रहने देता हूँ अगर सुअर मैला खाकर परम आनंद अनुभव करता है तो मैं उसे फल खाने की सलाह देकर उसका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता दुख इतना ही है कि दिन भर मैले की तलाश में रहकर सुअर कोई रचनात्मक काम नहीं कर पाता ध्यान रहे आलोचना निंदा नहीं है पर सही के शब्दों में आलोचना करना स्वस्थ प्रवृत्ति है और निंदा जो है कैंसर है तो ये काफी अच्छा ये पैसेज था ये पे इसके अलावा ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को एक अरब डॉलर का कर्ज ठीक है तो ब्रिक्स देशों का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक है तो इन्होंने एक साढ़े सात हजार करोड़ रुपए की आपातकालीन सहायता राशि दी है तो शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना कब हुई थी 2014 में कौन कौन है इसमें ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका ठीक है इनका उद्देश्य वही है कि अर्थव्यवस्थाओं को जो उभर रही है और विकासशील देश हैं तो वहाँ पे बुनियादी ढांचा सतत विकास परियोजना प्राप्त करवाना है ना इसके अलावा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक पब्बड़ नदी भी है और यूरोपा पर पानी की मौजूदगी तो यूरोपा क्या है तो ये मेनली जुपिटर का जो मून है उसका नाम है यूरोपा ठीक है बृहस्पति का जो चंद्रमा है उसका नाम यूरोपा है और लिट्टे पर आज ही हमने 1992 में प्रतिबंध लगाया था आज फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगर जुगरबर्ग का भी जन्मदिन है 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ था तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव अ नाइस डे आपका दिन शुभ